अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? हैर उम्मीद करता हूँ सब खैर हैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ पत्थर दिखा रहे हैं। दिखाने के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पत्थर है और किधर का है, किधर मिलता है ये। तो दोस्तों, अगर आपने पहले नहीं देखा होगा तो आप ये इस वीडियो में सारा देख ले। ये मुख्तलिफ कलरफुल पत्थर है और आपको अंदाज़ा होगा तस्वीर के मुताबिक, आप अंदाज़ा ले लें कि ये किस जगह का पत्थर है और किधर ये मौजूद होता है। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, ये कुदरती पत्थर है सारा माशाल्लाह। दोस्तों, अगर आप सोच रहेंगे कि ये किधर का पत्थर है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं एंड में आपको बता दूंगा कि ये किस जगह का पत्थर है, ये पहाड़ का है या किसी किस जगह का में ये मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये पहाड़ का बिल्कुल भी ये पहाड़ वाला पत्थर नहीं है, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीस है, खूबसूरत खूबसूरत। ये देखो, ये पहाड़ का जो पत्थर होते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन इस तरह का कलरफुल नहीं होता और इतना खूबसूरत भी नहीं होता जिस तरह ये है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा और खूबसूरत खूबसूरत पत्थर है छोटे छोटे। कुछ लोग ये गार्डनों में भी लगा सकते हैं, जिधर पूल वगैरह लगाते हैं घर के एक साइड में, तो उसके लिए ये लोग ये लेके जाते हैं। और ये आपको किधर से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा आखिर में। तो पहले आप ये सारा डिज़ाइन चेक करो, ये सारा पत्थर खूबसूरत खूबसूरत पत्थर ये आप देख ले। ये देखो, ये अभी पुल लगा हुआ है, इसके नीचे जो है ना ये पत्थर रखा हुआ है मुख्तलिफ। ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे कि इसका पॉलिश हुआ है, लेकिन ये बग़ैर पॉलिश है, इसमें सिर्फ पानी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो पत्थर है ये आप देख सकते हैं इधर पानी है, ये दरिया और सिंध का जो है ना ये उसी का पत्थर है, जिधर दरिया होते हैं उसके साइडों में ये होते हैं, जिधर ज़्यादा पानी आता है उधर ये होते हैं। ये इधर हमारे पाकिस्तान में भी ये है, ये सवात सिंध में जो है ना उधर भी है, कुछ जिधर पानी बस बहते हैं उधर ही ये मिल जाते हैं। और इसमें ये मुख्तलिफ कलर होते हैं, कुदरती होते हैं। आम जगह में भी होते जिधर पानी ज़्यादा आता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत नहीं है। ये अभी आम पानी वाला पत्थर है, ये खुद मैंने ये खुद तस्वीर निकाला हुआ है इसे, ये पाकिस्तानी है, ये तस्वीर मैंने खुद निकाला हुआ है। ये आखिर में जो आठ तस्वीर है ये भी मैंने खुद निकाला हुआ है, ये भी मैंने खुद निकाला हुआ है, ये पाकिस्तानी है। तो ये जिधर ज़्यादा पानी आते हैं ये उधर ही होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।